हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील मौर्य। टुडे वी विल स्टडी कंप्यूटर साइंस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। टॉपिक इज इन्वेंटर्स। इन्वेंटर्स की हिंदी होती है आविष्कारक या खोजकर्ता। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर साइंस में कौन से साइंटिस्ट ने किस डिवाइस की खोज की, किस यंत्र या किस मशीन या किस डिवाइस की खोज की, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप अपने सब्जेक्टिव एग्जाम को दे रहे हो कंप्यूटर साइंस के एग्जाम को, तो जनरली आपके ओरल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या रिटन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में आपका या आपका प्री टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो चलिए इन क्वेश्चन के बारे में जानते हैं हम लोग। आपसे पूछा जा सकता है, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक या पितामह कौन है? ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज। कौन है कंप्यूटर के जनक या फादर? चार्ल्स बेबेज इज फादर ऑफ कंप्यूटर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, चार्ल्स बेबेज इज फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ मोबाइल फोन? द फादर ऑफ मोबाइल फोन इज मार्टिन कूपर। मोबाइल फोन के जनक कौन है, फादर कौन है? मार्टिन कूपर। नेक्स्ट, हु इज फादर ऑफ सीपीयू? सीपीयू की आप फुल फॉर्म जानते ही होंगे, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगेन रिपीट कर रहा हूं, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, दिमाग। तो फादर ऑफ सीपीयू कौन है? फेडरिको फैगिन। फादर ऑफ सीपीयू कौन है? फेडरिको फैगिन। ओके, द फर्स्ट कमर्शियल सीपीयू, इन्होंने क्या डिजाइन किया था? पहला कमर्शियल सीपीयू, ठीक है, जिसका नाम क्या था? इंटेल 4004। पहले सीपीयू का नाम क्या था? इंटेल 4004। ठीक है, रिलीज्ड बाय इंटेल कंपनी इन 1971। ये सीपीयू कब रिलीज किया गया था और किसके द्वारा रिलीज किया गया था? इंटेल कंपनी के द्वारा 1971 में रिलीज किया गया था। ओके, नेक्स्ट, इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन है? ठीक है, कौन खोज किया था? मोबाइल फोन के फादर भी मार्टिन कूपर है और इनके इन्वेंटर भी मार्टिन कूपर है। ठीक है, ये मोटोरोला कंपनी प्रोसेसर बनाती थी, मोबाइल भी बनाती है, ठीक है, और चीजें बनाती हैं। तो ये मोटोरोला कंपनी में एक एम्प्लाई थे, ठीक है, मार्टिन कूपर। इन्होंने 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल फोन का आविष्कार किया, ये खोज किया। ठीक है, फाइन। नाउ फादर ऑफ ईमेल, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल के फादर कौन थे? टॉमलिंसन। टॉमलिंसन इज नोन एज फादर ऑफ ईमेल। नेक्स्ट, इन्वेंटर ऑफ फैक्स, फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फैसिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स, ठीक है, मशीन। इन्वेंटर ऑफ फैक्स मशीन अलेक्जेंडर बैन। फैक्स मशीन का इन्वेंट किसने किया था? अलेक्जेंडर बैन ने किया था। कब किया था? इन 1943 में किया था। नेक्स्ट, इन्वेंटर ऑफ जीरोक्स, जीराक्स मीन्स फोटो कापियर मशीन, ठीक है, इन्वेंटर ऑफ जीराक्स और फोटो कापियर मशीन कौन है? चेस्टर कार्लसन। जीराक्स मशीन की खोज किसने किया? चेस्टर कार्लसन ने किया। फर्स्ट स्मार्टफोन, ठीक है, पहला स्मार्टफोन कौन सर्च किया, कौन खोजा, उसका आविष्कार कौन किया? फर्स्ट स्मार्टफोन का आविष्कार आईबीएम कंपनी ने किया। आईबीएम कंपनी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। कब किया आईबीएम कंपनी ने? 1932 में। दैट मीन्स फर्स्ट आपका स्मार्टफोन का खोज आईबीएम कंपनी को क्रेडिट जाता है, और ये कब किया था? 1932 में किया था, ठीक है। और उस स्मार्टफोन का नाम क्या रखा गया था? साइमन रखा गया था। पहले स्मार्टफोन का नाम आईबीएम कंपनी ने किया था, 1932 में किया था, और इस मोबाइल फोन या स्मार्टफोन का नाम क्या रखा गया था? साइमन रखा गया था, ठीक है। फर्स्ट स्मार्टफोन
का नाम क्या था? साइमन। ओके, नाउ माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किसने किया? इन्वेंटर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, टीम ऑफ लॉजिक आर्किटेक्ट्स एंड सिलिकॉन इंजीनियर्स। दो टीमें थी, एक टीम थी लॉजिक आर्किटेक्ट्स की और दूसरी टीम थी सिलिकॉन इंजीनियर्स की। ये दोनों टीम मिलकर के अपने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की, ठीक है। और उन टीम में कौन कौन थे? पहले साइंटिस्ट थे फेडरिको फैगिन, दूसरे साइंटिस्ट थे मैरसियन टेड हॉफ, तीसरे साइंटिस्ट थे स्टैनली मेजर, ठीक है, और चौथे आपके साइंटिस्ट थे मसाटोशी साइमा, ठीक है। ये चारों दो टीमों में काम करते थे, ठीक है, लॉजिक आर्किटेक्ट्स में और सिलिकॉन इंजीनियर्स में। तो ये चारों मिलकर के आपका माइक्रो प्रोसेसर की खोज किए, इन्वेंशन किए, ठीक है। ये क्रेडिट आपका माइक्रो प्रोसेसर को दोनों टीमों को जाता है, दैट मीन्स चार मेंबर को, फेडरिको फैगिन, मैरसियन टेड हॉफ और स्टैनली मेजर और मसाटोशी साइमा को, ठीक है। अब नाउ वेब कैम इन्वेंटेड बाय, वेब कैमरा आपका जो कंप्यूटर सिस्टम में लगता है उसका आविष्कार या इन्वेंशन किसने किया? डॉक्टर क्वेंटिन स्टाफोर्ड, ठीक है, फ्रेसर। कौन किया? डॉक्टर क्वेंटिन स्टाफोर्ड फ्रेसर एंड पॉल जेडे की, ठीक है। वेब कैमरा का इन्वेंशन दो व्यक्तियों ने मिलकर किया, डॉक्टर क्वेंटिन स्टाफोर्ड फ्रेसर और पॉल जेडे की, ठीक है, डॉक्टर क्वेंटिन स्टाफोर्ड फ्रेसर और पॉल जेडे की, ठीक है। नेक्स्ट, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ स्टैंड्स फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल, ठीक है। गूगल के सीईओ कौन है? सीईओ कौन है, ठीक है, दैट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ का नाम क्या है? सुंदर पिचाई, ठीक है, गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई। ओके, नाउ फाउंडर ऑफ कीबोर्ड, फाउंडर ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के फाउंडर कौन थे? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। इन्होंने कब किया था? इन फरवरी 1419। कीबोर्ड को कौन फाउंड किया? क्रिस्टोफर लैथम सोल ने 14 फरवरी 1819 को, ठीक है। फाउंडर ऑफ माउस, माउस के फाउंडर कौन थे? डगलस एंजलबर्ट, ठीक है, माउस के फाउंडर कौन थे? डगलस एंजलबर्ट। माउस की खोज कब हुई, ठीक है, माउस की इन्वेंशन कब हुई? 1964 में। कौन किया? डगलस एंजलबर्ट ने किया, ठीक है। फाउंडर ऑफ फेसबुक है ना, हम लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, ठीक है, इनके फाउंडर हमको पता होने चाहिए, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। फाउंडर ऑफ फेसबुक, फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, फाउंडर ऑफ फेसबुक बुक मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग। फाउंडर ऑफ गूगल, गूगल के फाउंडर कौन है? सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज, फाउंडर ऑफ गूगल सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज, ठीक है, ये दो लोग हैं, ठीक है, फाउंडर ऑफ गूगल सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज। फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के फाउंडर जैन कॉम, ठीक है, फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के फाउंडर जैन कॉम। को फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप, को फाउंडर व्हाट्सएप के क्या है, कौन है? ब्रायन एक्शन, ठीक है, को फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप ब्रायन एक्शन। ओके, आई थिंक आपको इन चीजों को लिख लेना चाहिए अपने नोट्स में, वीडियो को पॉज करके स्पेलिंग सही लिख लेना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको 16 चीजें बताई, आपको इन सारे को आप लिख डालिए, लिखने के बाद इनको स्पेलिंग सही लर्न कर डालिए ताकि आसानी से आप इनके नेम को लिख सकें, ठीक है, फाइन।